पंजाब सरकार द्वारा स्थापित महाराजा रंजीत सिंह पंजाब तकनीक विश्वविद्यालय बठिंडा उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के छात्रों को विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा के साथ साथ केंद्र की आकर्षक छात्रवृत्ति और कल्याण योजनाओं का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। ये बात शनिवार को यूपी प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसिद्ध शिक्षाविद और प्रशासक MRSPTU के रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरविंदर पाल सिंह बराड़ ने कही। डॉक्टर बराड़ ने वरिष्ठ अधिकारियों डीन कंसल्टेंसी और इंडस्ट्री लिंकेज डॉक्टर मंजीत बंसल, निदेशक जनसंपर्क हरजिंदर सिंह सिद्धू और निदेशक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट हरजोत सिंह सिद्धू के साथ लखनऊ में MRSPTU का प्रवेश और परामर्श देने के लिए उपस्थित थे। तो इसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आइडियल है। तो हमको ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पूरे पंजाब स्टेट में हमारी यूनिवर्सिटी को AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने चूज किया है आइडियल है। तो हमारे कैंपस में आइडियल है एस्टेब्लिश है, जो कि हम स्कूलिंग बच्चे चाहे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो ITI के बच्चे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, सभी को पूरी स्टेट के बच्चों को हम एक माध्यम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनके आइडिया को उनके इनोवेटिव आइडिया को प्रोटोटाइप तक पहुंचाने। मैं पंजाब स्टेट से महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होने के नाते यहाँ लखनऊ पहुँचा हूँ। मैं यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आम जनता को परिचय देना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी है। इसको ऑपरेट भी स्टेट करता, इसको बनाया भी स्टेट गवर्नमेंट ने है। तो इसमें जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो पंजाब स्टेट की हैं, चाहे यूपी स्टेट है, चाहे बिहार स्टेट है, चाहे किसी स्टेट की है, वो सारी लागू हैं। जो बच्चे स्कॉलरशिप पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो अपने स्टेट से लोन लेके आना चाहते हैं वो भी आते हैं। सो यहाँ रेट गवर्नमेंट ही तय करती फीस का, स्कॉलरशिप देते हैं हम। हमारे पास बहुत बड़ा कैंपस है और यहाँ हमारे पास इंजीनियरिंग के 8 कोर्सेस हैं, फार्मेसी है, फूड है, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, बेसिक साइंसेस है, देन अपना मैनेजमेंट है, कंप्यूटेशनल साइंस है, ये सारे कोर्सेस हैं। और हमारे 60 कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, 5 हमारे यूनिवर्सिटी के खुद के कॉलेज हैं। सो वहाँ डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, जैसे पटियाला में हमारा सिविल एविएशन है, उसकी बहुत डिमांड है, वो रेयर है, क्यों एयर स्ट्रिप नहीं होती, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है उसके लिए। और ज़्यादा मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि जैसे पंजाब में आजकल ट्रेंड है बाहर जाने का, हमारे बच्चे यहाँ से प्लस टू करके जाते हैं, वहाँ एजुकेशन बहुत महंगी है, वो उनके बाप ज़मीन बेच रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, वो ट्रेंड पंजाब से होता हुआ हरियाणा में पहुंच गया। और यही ट्रेंड जो चल रहा है साल दो साल में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा, बड़ी फैमिलीज में तो आ गया है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अमेरिका की वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, कैनेडियन थॉम्सन रिवर यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ एग्रीमेंट किया है। जो बच्चा हमारे पास 3 साल पढ़ेगा और 1 साल वहाँ जाके पढ़ेगा, उसको वहाँ की बैचलर डिग्री मिलेगी। जो वहाँ जाके 2 साल पढ़ेगा, उसको वहाँ की मास्टर्स डिग्री मिलेगी। इसका फ़ायदा ये है, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, भी एक दो खर्चा कम हो जाता है, एक ड्यूअल डिग्री मिल जाती है पंजाब की और उस यूनिवर्सिटी की। और वो करने से वही फैसिलिटीज़ है, वही वर्क परमिट है, वही फैसिलिटी जो आदमी यहाँ से प्लस टू के बाद जाता है और 3 साल लगा के जाता है, उसको सेम फैसिलिटीज मिलती हैं, सेम ट्रेनिंग है, सेम प्लेसमेंट है। और उसका एडवांटेज ये है, एक तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक उसकी 75% फीस कम हो जाती है। ये प्रोग्राम को प्रफुल्लित करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपके यहाँ कहीं से पूरे भारत के बच्चा कहीं से भी जाके आपके यहाँ एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल। सुविधाएं उसमें क्या क्या रहेंगी? सही उसमें सुविधाएं कैसे क्या रहेंगी? एक दो सबसे मेन बात है,
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के कारण हॉस्टल सब्सिडाइज्ड है, उसका खर्चा बहुत कम है, फूड सब्सिडाइज्ड है, बहुत बड़े हॉस्टल हैं, 5 हमारे पास लड़कों के हॉस्टल हैं, 3 लड़कियों के हॉस्टल हैं। उसके बाद ये है भी जो हमारा वहाँ एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक है, वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के बाजू में कोई शहर नहीं है, शहर के आउटस्कर्ट्स पर है, पर 3 चीज़ें हैं इसके पास, 1 तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, 1 जो पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी हमारे साथ है, सो तीनों इकट्ठे होने से वहाँ एक बहुत अच्छा एकेडमिक माहौल बना है। जैसे हम दिल्ली में जाते हैं DU कैंपस है, वहाँ काफ़ी कॉलेजेस हैं, आपको फील होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।